दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू भाई इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कभी सोचा नहीं था कि तुम मिन और रावण जैसी नॉन कंटेंट फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर अनुभव सिन्हा मुल्क जैसी झन्नाटेदार सामाजिक फिल्म बनाएंगे, और मुल्क के बाद में सभी ये जानने को बेताब थे कि अनुभव सिन्हा अब नया क्या लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों उनकी नई पेशकश का नाम है आर्टिकल 15, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो गया है और ट्रेलर एकदम फाड़ू और जबरदस्त है। पता नहीं किसी ने कहा था कि देश उनमें रहने वाले नागरिकों से बनता है, देशवासियों की एकता से बनता है। और बड़ी सिंपल सी बात है कि सारे भारतवासी अगर अपने आप को जात बिरादरी धर्म के नाम पर ना बांटकर अपने आप को सिर्फ भारतीय माने और भारत की एकता बनाकर रखें, तब हमारे भारत को कोई महाशक्ति या विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन विडंबना यह है कि इस बात को जानते हुए भी कई लोग हमारे देश में सिर्फ जात पात के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। कौन है वो जो देश की एकता को तोड़कर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? खैर दोस्तों, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव दोनों ने ही इस समय बड़े बड़े स्टार्स की लेनी कर रखी है, क्योंकि इन लोगों की छोटी छोटी फिल्में भी चल रही हैं और बड़े बड़े सुपरस्टार की बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं चल रही। खैर आयुष्मान की अगली फिल्म है आर्टिकल 15। पहले इसका नाम था कानपुर देहात, लेकिन ये फिल्म समाज को झकझोरने वाली फिल्म है। इसमें दिखाई हुई घटनाओं को किसी एक शहर से जोड़ देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये समस्या किसी एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश की है। मैं ऊंचा तब माना जाऊंगा जब सामने वाले को नीचा साबित कर दूंगा, वरना कौन ऊंचा कौन नीचा ठप्पा कहाँ लगा है? और हड्डियां भी सब में 206 ही है। किसी को नीचा या ऊंचा तब मानना चाहिए जब किसी में एक हड्डी कम या एक हड्डी ज्यादा हो। भगवान ने जब कोई फर्क नहीं किया तो ये फर्क करने वाले लोग आते कहाँ से हैं? खैर दोस्तों, फिल्म बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बनी हुई है। ट्रेलर रिलीज होने से कुछ देर पहले ही आयुष्मान खुराना एक वीडियो में ये कहकर सबको झकझोर देता है कि आपकी औकात आपको ये फिल्म देखने की अनुमति नहीं देती, और काफी सारी बातें दिखाई जाती है। ये फिल्म यूपी के बदायूं में हुए एक ही परिवार की दो बेटियों के गैंगरेप और उनके मर्डर की असली घटना पर आधारित है। सो कॉल्ड छोटी जाति की दो लड़कियां जब अपनी दहाड़ी में 3 रुपए बढ़ाने की मांग करती हैं, यानी अपने दिन की सैलरी में सिर्फ 3 रुपए बढ़ाने की मांग करती हैं, तो उनका गैंगरेप कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है और पेड़ से लटका दिया जाता है। और किस लिए? ताकि उनकी पूरी जात को उनकी औकात याद रहे। ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। खैर पीड़ितों के परिवार के मुताबिक ऐसा गांव के ही सो कॉल्ड ऊंची जाति के 5 लड़कों ने किया था। परिवार जब जब इस मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने FIR लिखने से ही मना कर दिया, क्योंकि इस घटना में पुलिस वाले भी आरोपियों के साथ मिले हुए थे, और ना भी मिले होते तो पुलिस इतनी आसानी से FIR कहां लिख लेती है। सभी ने इस मामले में पुलिस और सरकार का खूब विरोध किया। जैसे तैसे बात बढ़ने के बाद इस केस में 2 पुलिस वालों और गांव के 3 लड़कों यानी कि 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। यूपी की अखिलेश सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए ये मामला CBI को सौंपा, लेकिन CBI ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें पूरा केस ही उलट गया। CBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों में से एक लड़की का गांव के एक लड़के के साथ अफेयर था, वो लड़का दूसरी जाति का था, और इस बात की खबर घर वालों को लग गई थी, तो उनकी सजा से बचने के लिए इन लड़कियों ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बस फिर क्या था, उन 5 आरोपियों को निर्दोष साबित करते हुए CBI ने केस क्लोज कर दिया। फिल्म बहुत सारे सवाल उठाती है, ट्रेलर बहुत झन्नाटेदार है, और आयुष्मान के अलावा एक से एक दमदार एक्टर भी हैं, जैसे मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, जीशान अयूब, सयानी गुप्ता और भी काफी सारे हैं। खैर दोस्तों, इस फिल्म को आयुष्मान खुराना और अनुभव सिन्हा का मास्टरपीस माना जा रहा है। पॉसिबल है कि आयुष्मान के करियर की ये सबसे यादगार फिल्म साबित होगी। तो आर्टिकल 15 रिलीज हो रही है 28 जून को, और देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ट्रेलर की तरफ फिल्म भी झक्की खोलती है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए मन्नू भाई।